हेलो एवरीवन, आज वक्त है काबुली वाला के फोर्थ पार्ट का थर्ड पार्ट के लास्ट में हमने सुना था कि मिनी कुछ बड़ी हो चुकी है और काबुली वाला अभी तक जेल में बंद है अब हम इसके आगे की कहानी लेखक की जुबानी सुनते हैं कितने ही वर्ष बीत गए वर्षों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है मिनी की सगाई की बात पक्की पक्की हो चुकी है पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा कैलाश वासिनी के साथ साथ की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी सवेरे दिवाकर बड़ी सज धज के साथ निकले वर्षों बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है कलकत्ता की सकरी गलियों में परस्पर सटे हुए पुराने ईंट झर गंदे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया है हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी विच्छेद पीर को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है मेरी मिनी का आज विवाह है सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है हरेक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है चलो रे जल्दी करो इधर आओ कि तो कोई गिनती ही नहीं है मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया पहले तो मैं उसे पहचान न सका उसके पास न तो झोली थी और न ही पहले जैसे लंबे लंबे बाल और न चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है मैंने पूछा क्यों रहमत कब आए उसने कहा कल शाम को ही जेल से छूटा हूं सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे उसकी खू किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक एक सिकुड़ सा गया मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो मैंने उससे कहा आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ आज तुम जाओ फिर आना मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुल वाला ओ काबुल वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम। शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके साथ नहीं थी मैंने कहा आज घर में बहुत काम है सो किसी से भेंट ना हो सकेगी मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा फिर अभिवादन करके दरवाजे से बाहर निकल गया मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं इतने में देखा तो वह स्वयं ही आ रहा है तो फ्रेंड्स इससे आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट में सुनेंगे जो कि मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं स्टोरीज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय